इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, राजधानी दिल्ली से ये बड़ी खबर आ रही है। कई मंजिला इमारत के गिरने की खबर है। सब्जी मंडी से ये खबर सामने आई है, 5 मंजिला इमारत धराशायी हो गई है। कई लोगों के इसमें दबे होने की आशंका है। सब्जी मंडी इलाके में 5 मंजिला इमारत धराशायी हो गई। इस वक्त की बड़ी खबर, देश की राजधानी दिल्ली से सब्जी मंडी इलाके में एक इमारत गिर गई है। 5 मंजिला ये इमारत बताई जा रही है। मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका। और आप तस्वीरें देखिए, घटनास्थल की ये तस्वीरें, किस तरीके से वहां पर अफरा तफरी मच गई। लोग वहां पर खुद मलबे को हटाने में जुट गए और साथ ही प्रशासन के भी अधिकारी वहां पर पहुंचे। ये बड़ी तस्वीर है दिल्ली की सब्जी मंडी इलाके से, कंजस्टेड एरिया, और इस एरिया में ये इमारत, कई मंजिला इमारत वहां पर गिरी है। कई लोगों के दबे होने की अभी आशंका है, भीड़ भाड़ का ये पूरा इलाका। मोहित हमारे साथ जुड़े हुए, सीधे उनका रुख करते हैं। मोहित, बताइए सबसे पहले कितने लोग अभी इस मलबे के नीचे दबे हो सकते हैं? कंजस्टेड इलाका है, भीड़ भाड़ वाला इलाका? ये बिल्कुल भीड़ भाड़ वाला इलाका है और आशंका जताई जा रही है कई लोगों के फंसे होने की। लेकिन अभी ये बताया जा रहा है कि एक शख्स को रेस्क्यू करके हॉस्पिटल ले जाया गया है। क्या वजह है, कैसे बिल्डिंग गिरी और क्या कितने लोग और फंसे होंगे, इसकी कोशिश जो है वो तमाम डिपार्टमेंट जो लगे हैं यहाँ मौके पर पहुंचे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं। जी मोहित, एक बड़ा सवाल ये है कि क्या इस बिल्डिंग के इतने जर्जर होने की जानकारी प्रशासन को थी? अगर थी तो आखिर इसको क्यों खाली नहीं कराया गया? फिलहाल प्रशासनिक अमले में से कौन कौन मोहित यहां पर पहुंचा है? देखिए, अभी जो है वो शुरुआती क्योंकि बचाव की कोशिश हो रही है, पहले ये पता लगाने की कोशिश हो रही है कितने लोग अंदर हैं और उनको जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए। बाद में इन तमाम चीजों का ध्यान रखा जाएगा और जांच होगी, उसमें ये सामने आएगा कि इस बिल्डिंग के जर्जर होने की स्थिति थी या किस तरीके की ये बिल्डिंग थी। इन तमाम पहलुओं पर बाद में अथॉरिटीज ध्यान देंगी, लेकिन अभी जो है वो बचाव कार्य तेजी से शुरू किया गया है। जी मोहित, अब तक कोई आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी सामने आ पाई है इस बिल्डिंग में जब ये हादसा हुआ, जब ये बिल्डिंग गिरी, इसके आसपास कितने लोग थे, क्या इस बिल्डिंग में कई लोग रह रहे थे, कोई आधिकारिक तौर पर कोई बयान सामने आया है? देखिए, अभी बचाव कार्य में लगे हैं, अभी तक फिर ये जानकारी मिल पाई है कि एक शख्स को निकाला गया है और उसको हॉस्पिटल लेके जाया गया है, सिर्फ अभी तक ये जानकारी मिल पाई है। जी ठीक है, मोहित आपके पास लौट कर आते हैं, एक बार फिर से तस्वीर दिखाते हैं दिल्ली के सब्जी मंडी इलाके से। तस्वीर देखिए, जहां पर एक बहुमंजिला इमारत गिरी है, रेस्क्यू के लिए वहां पर टीम पहुंची हुई है, लोगों की भीड़ है, अफरा तफरी का माहौल। और इस इलाके को देखकर आप ये समझ जाएंगे कि जितनी इमारतें हैं, एक तो कंजस्टेड इलाका, जितनी इमारतें वो पुरानी, तार बेतरतीब लटके हुए हैं इधर उधर। मोहित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहित, जो तस्वीरों से दिखाई दे रहा है, जो समझ में आ रहा है, इस पूरी गली में, इस पूरे इलाके में जो इमारतें हैं, जो घर हैं, मकान हैं या फिर नीचे जो दुकानें हैं, वो सारी पुरानी हैं, तार बेतरतीब लटके हुए हैं। आमतौर पर देखिए, मतलब इस तरीके से अव्यवस्था वाली तस्वीर दिल्ली में दिखाई नहीं देती है, लेकिन इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सब्जी मंडी का ये इलाका यहाँ पर कितना प्रशासन की नज़रों से अनदेखा था। यहाँ पर शायद कोई अधिकारी कभी जाता नहीं होगा। तो ये तस्वीर आप देखिए, दिल्ली के सब्जी मंडी में 4 मंजिला इमारत गिरी है, मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका। और लक्ष्मी, जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था, आप तस्वीरें देखिए, सारे घर, सारे मकान, सारी इमारतें पुरानी दिखाई दे रही हैं, तार बेतरतीब लटके हुए हैं। लगता है कि कितनी लापरवाही यहाँ पर हुई होगी। और जिस बात का आप भी जिक्र कर रही थी, जाहिर सी बात है ये इमारत जर्जर रही होगी और कई सारी और इसमें घर और इमारतें दिखाई दे रही हैं जो कि जर्जर अवस्था में। बिल्कुल ठीक कहा आपने, और सवाल यही खड़ा होता है कि जाहिर है कि ऐसे मौसम में जब बरसात होती है तो ऐसी इमारतों के गिरने का खतरा और बढ़ जाता है, लेकिन जो एरिया इस वक्त आप देख रहे हैं, इसको देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसा कितना भीषण रहा है। लेकिन फिलहाल जो हमारे सहयोगी मोहित ने हमें जानकारी दी, वो यही बताया कि इसमें से एक शख्स को निकाला गया है, अस्पताल पहुंचाया गया है, लेकिन चूंकि रिहायशी इलाका है, बहुत ज्यादा यहाँ पर लोग इस वक्त मौजूद हैं। इस बिल्डिंग में कितने लोग मौजूद थे जिस वक्त ये हादसा हुआ है, इसको लेकर अभी कोई भी आधिकारिक तौर पर जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन फिलहाल ये बताया जा रहा है कि कई लोगों के दबे होने की आशंका इसमें जरूर है। प्रशासनिक अमला लगातार मौके पर जुटा हुआ है, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है।